ऐसा है कि बेडिया फिल्म म्यूजिक हमारी बहुत नई नई कंपनी है और इसका हर गाना जो हमने आज तक बनाया है उसको हम बेटा समझते हैं, हमारा बेटा है, और उसी तरह उस गाने को हम सजाते हैं, सवारते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। और ये हकीकत है कि जो बेटा होता है बहुत प्यारा लगता है, वो काला हो गोरा हो, ये तो आप लोग फाइनल करेंगे, जनता फाइनल करेगी कि हमारा बेटा कैसा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी पूरी यूनिट को, डायरेक्टर मुनीश कल्याण और उसकी पूरी टीम को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अमन खान को, जो एक छोटी सी उम्र में इतनी सुरीली आवाज लेकर, पटियाला खानदान से कहीं से सीखा हुआ आदमी लड़का। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे फिल्म में हीरो हीरोइन याशिका बसेरा जी और जितेंद्र, जो पंजाब के बड़े स्टार हैं, ये दोनों ने बहुत ही मेरे निवेदन पर काम किया। आप यह यकीन मानिए कि इन्होंने जो काम किया तो मेरे से ना पैसे पूछे, ना मेरे से, सिर्फ मुझे कहा गाना सुनाओ मैडम ने, और हमने गाना सुनाया। उस गाने का इन्होंने 4 टाइम करेक्शन करवाया और 4 टाइम करेक्शन होने के बाद में बजट हमारा छोटा था, पर ये खुद अपने कपड़े शूट के लिए जारा में गई, अपने पैसे से कपड़े खरीदी और इसने शूट किया है। इसके जो आप जो देखेंगे सारे कपड़े इन्होंने, क्योंकि हमारा उतना बजट ही नहीं था, हमारी नई नई कंपनी है, क्योंकि एक गाना बनाकर बंद नहीं होना है, हमको तो हजारों गाना बनाने हैं, तो हमको एक लिमिट लेकर चलना होता है। तो इतना कॉपरेशन याशिका जी का रहा, बड़े अच्छे परिवार से आती हैं और बड़े साफ सुथरे काम करती हैं। आप यकीन मानिए 10 में से तो 9 काम ये रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि उसको जरा साफ काम नहीं होता तो नहीं करती। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ याशिका जी को, जितेंद्र को। मैं मेरी टीम के अंदर, मुंबई टीम के अंदर, मेरे भाई आरिफ भाई और हमारे एक DOP हैं मुकेश भाई, ये दोनों पूरा काम संभालते हैं इन ऑफिस। और ये कोई नौकरी वोकरी का हमारा चक्कर नहीं है, सिर्फ भाईचारे के अंदर एक दूसरे को मदद कर कर काम संभालते हैं। गाना इतना बेहतरीन है, हमारा पहला गाना जो जानी माँ बनाया, पहला नहीं मतलब वो 5वां 6वां था, पर वही 1.25 मिलियन के ऊपर 2 दिन के अंदर क्रॉस किया। और दूसरा हमने ट्रीजर तेरे बिना का डाला, वो 2 लाख के ऊपर है, तो मुझे लगा कि इनका ट्रीजर भी बड़ी जोर से भागेगा जो आज हमने लॉन्च किया है। मैं याशिका जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम के सुपरस्टार हैं, स्टार तो ये ऑलरेडी हैं, ये सुपरस्टार हैं। और आरिफ भाई ने अभी अभी बिग बॉस के अंदर अनिल जी के साथ में, अनिल कपूर के साथ में प्लेटफॉर्म शेयर किया है, वो भी वो बताएंगे, याशिका जी खुद बताएंगे शूट कैसे हुई क्या हुई इसके बारे में आप इनसे जानिए। मैं कभी शूट पर जाता नहीं क्योंकि मुझे मेरे जाने से दहशत होती है यूनिट में, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं कि वो डर जाए, तो मैं जाता ही नहीं। हमारे आरिफ भाई सब दूर से बैठ के सब हैंडल कर लेते हैं, मैं मुझे तो जब फाइनल होता है तो बताते हैं कि फाइनल हो गया है। और टीम के अंदर अगर कोई अड़चन भी आती है तो याशिका जैसी अगर कोई हीरोइन हो वो खुद संभाल लेती है, खुद टेकल कर लेती है, अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। तो इतनी अच्छी टीम भगवान सबको नहीं देता, मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया था। और हमारा गाना ये सुपर डुपर हिट होगा आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के साथ से। मैं याशिका जी को और आदि भाई से कहूंगा कि आगे की बातें रखें। याशिका जी पर आने से पहले एक मिनट, आपका जो जालिमा इतना बड़ा हिट हुआ है उसमें न्यू कमर थे जी, और शायद न्यू कमर ही थे ना उसके जी जी, और ये जो गाना आ रहा है कैसे छुपाओगी, इसमें तो काफी टैलेंटेड एक्टर है, तो इससे कितनी उम्मीद है कि क्या उससे बड़ा हिट होगा, क्योंकि काफी फेम है। देखिए मैंने आपको कहा कि बच्चा वो भी है, बच्चा ये भी है मेरा,
कौन सा बच्चा आईपीएस बनेगा और कौन आईएएस बनेगा और कौन डॉक्टर बनेगा ये मैं तो नहीं बता सकता, पर मुझे ये पता है ये बनेंगे जरूर आईएएस आईपीएस सीए, कहीं तो जाएंगे। एक नरेंद्र मोदी तक तो नहीं पहुंचे गए, पर ये गाना हमारा आईएएस आईपीएस लेवल, मतलब ये आखिरी लेवल होता है गाने का, वहां तक जाएगा, वर्ल्ड वाइड जाएगा, लोग इसे जिम में सुनेंगे, लोग इसे डांस बार में सुनेंगे, लोग इसे ऑर्केस्ट्रा में सुनेंगे, लोग अकेले बैठे रहे जब सुनेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारा गाना आप फैमिली के साथ देख सकते हो, आज के गाने फैमिली के साथ देखने जैसे नहीं है। जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छी बात बीच में कही थी कि गाने लोग सुनते नहीं है, गाने देखे जाते हैं। आप वल्गरिटी दिखाओ तो देखते हैं, हमने ऐसा कुछ रखा ही नहीं, हमने इतने क्लीन गाने हैं। इसके जो हमने तेरे बिना उसके किया है वो भी पूरा फैमिली साड़ी लुक, ऐसा ऐसा लुक बनाकर कि भाई वो वैजंती माला, माला सिन्हा, वो एक थॉट दिमाग में लेकर हम चल रहे हैं कि हम वैसे थॉट पर गाने बनाएं। ये सब बीट हमको, आप हमारे हर गाने फैमिली के साथ देख सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। मैं इस सॉन्ग को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ, बिकॉज क्योंकि मेरा पहला सॉन्ग है, पहला इंप्रेशन गजल टाइप का सॉन्ग मेरा पहला है, बाकी काफी सॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ चुके हैं, बट गजल है ये फर्स्ट टाइम है, तो इसके लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। और ये मेरा शूट मनाली में हुआ था, जो पूरी टीम जो वर्क है वो सारा बहुत अच्छा वाला हुआ, और बात सर की, सर का थैंक यू सो मच कि मुझे इस काबिल समझा, ये वाला सॉन्ग उन्होंने मुझे दिया, सो आई एम सो हैप्पी इस चीज़ के लिए। और डायरेक्टर सर, मेरे को आर्टिस्ट, सब ने बहुत अच्छे से काम किया, और एकदम फैमिली जैसा माहौल जो बोलते हैं वो वाला फील मुझे वहाँ पे हुआ। और सर ने बताया कि मैंने कपड़े परचेज किए, तो मुझे लगता है कि सर ने ये कहा मुझे फर्स्ट डे कि ये आपका अपना काम है, इसको अपना समझ के काम करो, तो जहाँ पे मैं, आप कह सकते हो कि फैमिली वाला माहौल, जहाँ पे ये समझती नहीं हूँ कि ये मेरे पैसे या सर के पैसे या किसी और के पैसे हैं, तो एक फैमिली के हिसाब से मैंने काम किया और ये बहुत अच्छे से काम निकल के आया। और जब ये रिलीज होगा तो आप लोग आई एम श्योर उसको एंजॉय करोगे। आजकल लोग वेस्टर्न, जितने भी आर्टिस्ट हैं वेस्टर्न सॉन्ग पे ज्यादा भाग रहे हैं कि वेस्टर्न करना है, गजल कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, तो आपका क्या गजल चुनने की वजह क्या थी? जब मैंने कि फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग सुना तो मुझे सुनते ही मैंने सर से ये वाली बात कही थी कि सर ये वाला सॉन्ग मुझे करना है और इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। सर ने कहा था कि ठीक है आप ये वाला सॉन्ग कीजिए। और ऐसा नहीं, वेस्टर्न कल्चर के बात करो बहुत सारे ऐसे नहीं, वेस्टर्न वाले भी आने वाले हम लोगों के, हम लोग मिक्स करने वाले, बट ऐसा कुछ भी सॉन्ग नहीं आने वाला जिसको आप फैमिली से बैठ के नहीं देख सकते, ऐसा कोई सॉन्ग नहीं आने वाला। सारे जितने भी आने वाले अच्छे सॉन्ग्स आने वाले हैं। बड़ी चूजी है जैसा कि सर ने बताया, जी काम चूज करती है, पैसा इम्पोर्टेंट है, वर्क इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ऐसा इस गाने में क्या क्लिक किया आपको कि आपको लगा कि ये गाना मेरे को करना ही है, ऐसा क्या क्लिक किया? ये गाना टैगलाइन बहुत प्यारी है, ये गाना सुनने में बहुत अच्छा है। दूसरा, सर ने मुझे बताया कि ये हिमाचल में शूट करने वाले, तो दिमाग में क्लिक हुआ कि वहाँ का लोकेशन जो बोलते हैं कि अच्छी होती है। फिर मैंने ऐसा कभी सॉन्ग किया नहीं था पहाड़ी लुक वाला, तो पहाड़ी लुक था वो मेरा, सो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कह सकते हो ऐसे लुक में जो मुझे ऐसा काम करना था, तो इसलिए फिर मैंने सर को मना नहीं किया। सर क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगा कि बेड़िया फिल्म म्यूजिक को एक अच्छी टीम मिली है, टीम वर्क है, और कलाकार भी सब अच्छे ही मिल रहे हैं, क्योंकि जैसी नियत होगी वैसे ऊपर वाला फल देता है। तो हमारे संजय बेड़िया साहब की नियत ऐसी है कि बस खुले दिल के इंसान हैं, कोई भी आया तो दिल निकाल कर रख देते उसके सामने, फिर वो कुचल के चल जाए या उसको प्यार करे, उनका यही एक हुआ है। और इसी वजह से मैं आज उनके साथ टिका हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी हीरोइन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरत भी है क्या, और इनके अंदर लगन है काम करने की, जो लगन होती ना। और मेरे डैडी ने कहा था एक बार मेरे को, जब मैं डांस करता था तो मेरी मम्मी बोलते देखो नाच रहा गा रहा, अरे बोले उसकी उसकी जो धुन है नाचने की वो धुन ही उसका धन है। तो अभी हमारी यशिका जी ने कहा था कि भाई मैं काम को वैल्यू देती हूँ, पैसे को नहीं, तो पैसा तो आ ही जाएगा, धन आ ही जाएगा, धुन रहेंगी ना, जुनून रहेगा तो आ ही जाएगा। तो इन लोगों ने इतनी अच्छी टीम मिली, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा पिक्चराइजेशन हुआ, और गजल को जो है तो गाने के स्टाइल में पिक्चराइज किए, और बहुत अच्छी स्टोरी बनी, बहुत अच्छा थीम बना। जब आप देखोगे तो बहुत अप्रिशिएट करोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये गज़ल सबसे पहले जब मैंने सुना तो मेरे दिल को लग गई क्या,
मेरे दिल को लग गई और इसमें मैं बहुत कुछ करने वाला था, लेकिन जब यशिका जी आई और उन्होंने उनका अंदाज, उनका स्वभाव और उनका सारी पर्सनैलिटी से लेकर जो जो हीरोइन मटेरियल इनको चाहिए था संजय भैया को, वो इनके अंदर दिखा, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी इनको सौंप दी और हम तो बाजू खड़े रह करके बस इरशाद इरशाद करते हैं। इरशाद भरी चाय लेने गए हो, लेकिन हम इरशाद इरशाद क्योंकि मुझे इस काम में कोई कमी नहीं चाहिए थी, तो मेरा वो सोच था कि इस काम को परफेक्ट होना जरूरी है, तो मैंने सर को भी थोड़ा परेशान किया, मुनीर सर को, सर ऐसा नहीं, इसको ऐसे करते हैं, सब लोग फैमिली की तरह मुझे समझ रहे थे, इसलिए मैं वो चीज कर पाई, वरना तो शायद मैं नहीं कर पाती। एक छोटी सी मैं जो आरिफ भाई ने बात जहाँ छोड़ी है, आरिफ भाई ये गाना डायरेक्ट करने वाले थे यहीं पर मुंबई में, एक उन्होंने सेट तैयार किया था, मतलब सेट मतलब एक प्लान तैयार किया था, पर वो कहीं कुछ बात के ऊपर वो थोड़े से आगे पीछे हो रहे थे, तो इतने में इनको एक थॉट आया कि पांच परिंदे पांच दरिंदे, ये राइटर भी है ना, तो हमने पंजाब स्टाइल के अंदर इनके लिखे हुए बोल पर एक गाना रिकॉर्ड किया है, वो गाने हैं पांच दरिंदे, पांच दरिंदे मतलब पांच बिगड़े हुए यार है, लेकिन वो क्या पूरी बोल के पांच दरिंदे, हम पांचों के पांचों, हम पांचों के पांचों है दीवानों की टोली, हमसे पंगा लोगे तो चल जाएंगी। हमको ये थॉट इन्होंने दिया और हमने वो गाना रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको शूट करने जा रहे हैं, अब देखते हैं उसमें कैसे क्या होगा, तो ये कहीं साइड नहीं है, ये इन टीम वाले हैं, इन हाउस के लोग हैं, अब थॉट ही इनका है, गाना ही इनका है, काम ये करने वाले हैं उसमें, तो कोई हमारे टीम में साइड नहीं होता। जैसे याशिका जी ने, मेरे डायरेक्टर मुनीश कल्याण जी ने, मेरे सिंगर क्या नाम है अमन खान ने कॉपरेट किया है, वैसे आप लोग भी कॉपरेट करें, जैसे जारा से कपड़े खुद ले आई वैसे आप भी कुछ फाइनेंस में थोड़ा सा दिए, ऐसे मिले आपको मेरे लिए रुमाल भी लगी साथ में लग भी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारा एक और अल्बम आ रहा है जिसका नाम है हीरो में हीरो बस सलमान खान, सलमान भाई की बायोपिक है उस गाने में, और सलमान भाई को बहुत पसंद आया है और सोहेल भाई को भी अच्छा लगा वो गाना, मतलब उनकी पूरी लाइफ स्टोरी मैंने एक गाने में लाकर रख दिया, जैसे एक फिल्म बनी थी संजू संजय दत्त की लाइफ पर, तो लेकिन हमने एक गाने में ही सलमान भाई की पूरी लाइफ लाकर के गाना मैंने लिखा है, उसको कंपोज भी किया है और बहुत अच्छा गाना बना है, मतलब हर पब में हर जगह बजेगा वो गाना भी हम करने वाले हैं साथ में मिलकर के, हीरो में हीरो बस सलमान खान, वन एंड ओनली। जल्दी ही सर के प्रोडक्शन हाउस से आने वाला है, तो और काफी सारे काम है जो जल्दी पाइपलाइन में जल्दी आने वाले हैं। इनके एक गाना ऑलरेडी शूट हो चुका है, पंजाबी सॉन्ग है, और आप सुनेंगे और वो कहानी देखेंगे तो भी बहुत बेहतरीन है, और तीन गाने के लिए और ये जा रही हैं शूट पर, और हमारे तो 10 गाने वैसे तैयार हैं ही हमारे पास, और हम 6 महीने में हमने जो टारगेट 50 गाने का रखा है, तो आप लोगों की दुआ रही तो चलते चलेंगे। हम गरीबों के साथी हैं और हम भी गरीब हैं, तो क्या है, नए लोगों को जोड़ना, नए कलाकारों को जोड़ना, उसमें से कुछ अच्छा चीज निकाल कर लाना, जैसे ताश आपको आपने मैंने बरखा में लॉन्च किया था, ताशा आज संजय लीला भंसाली के साथ हीरा मंडी में काम कर रहा है और आज एक स्टार की लिस्ट में आया है, उसने भी 8-10 साल बहुत मेहनत की, पर गाना तो पिक्चर तो मेरी ही थी जो मैंने उसे ब्रेक दिया, उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ तो संजय भाई के कारण हूँ और वो फिल्म के कारण हूँ जो मैंने इंडस्ट्री में इतने साल सरवाइव करने के बाद मुझे संजय लीला भंसाली ने फिल्म कर लिया। ऐसा ही मैं आनंद पंडित मोशन फिल्म, आनंद भाई मेरे बड़े भाई हैं, हम फिल्में उन्हीं के आदेश से सब चलता है, तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट तैयार हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, तो देखेंगे आगे अगर फिल्म वेब सीरीज बनाने का कुछ मौका मिला, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इनके साहब आपको कि हम पैसा भी लगाएं, मेहनत भी करें, वेब सीरीज भी बनाएं और फिर स्टूडियोज के
जाकर चप्पलें घसें, हम पैसा भी दें और चप्पल घसें, दो काम नहीं कर सकते। या तो हमसे एक ही काम करवा लो। तो मैं बहुत कम से कम स्टूडियो से मैं जाता हूँ, फिर उनकी शर्तें होती है, ये हीरो रख दो, ये हटा दो, हमारा हमारी हीरोइन ले लो। अब जब मैंने याशिका जैसी कोई हीरोइन को देखकर स्टोरी बनाई है और आप बोलो कि उसको ले लो, तो फिर मेरा तो स्टोरी का कोई मीनिंग ही नहीं है, मेरा तो काम बनता ही नहीं है। तो मैं वैसे कोई कॉम्प्रोमाइज के काम नहीं कर सकता। जब करेंगे शानदार करेंगे, शान से करेंगे, सबके सामने करेंगे। मैं मॉर्निंग में एक तो अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और दूसरा मैं करती योगा करती हूँ, जुम्बा करती हूँ। और फिटनेस को लेकर काफी पागलपंती है मेरे, जैसे एक्टिंग को लेकर पागलपंती, वैसे थोड़ी सी फिटनेस को लेकर पागलपंती है। मुझे लगता है एक्टिंग में जो है उनको ये सब होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिट रहोगे तो जरूरी है वो, मतलब एक्टिंग फील्ड के लिए स्पेशली। सो और हेल्दी खाती हूँ, बाहर का जंक फूड बहुत कम खाती हूँ, तो ऐसे हेल्दी रहती हूँ थोड़ा सा। और वैसे जाट है वो, तो जाट वैसे ही फिट होते हैं, वो दही रोटी खाने वाले होते हैं, वैसे उनका खाना एकदम बड़ा हेल्दी फूड होता है। जी जी। और जाट का स्ट्रक्चर ही बहुत मजबूत होता है। जी। जाट हुए, पठान हुए, आप देखो ना, तो इनके स्ट्रक्चर ही बड़े थोड़ा सा मार्बल। हाँ जी, थैंक यू।